अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर इन गाड़ियों से जो जनाब निकले हैं, इनका नाम है अमन मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में माननीय विधायक हैं, लेकिन इनकी तारीफ ये है कि पत्नी की हत्या के आरोप में कुछ दिनों पहले ही जेल से जमानत पर छूटे हैं। इनके पिता अमर मणि त्रिपाठी कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या की सजा जेल में भुगत रहे हैं। इनका इतिहास जान लिए, अब वर्तमान जान लीजिए। कोरोना में लॉकडाउन की धज्जियां उतारने निकले थे ये जनाब, और पूरे दलबल के साथ। लेकिन कर्णप्रयाग में जब 11 लोगों के साथ इनकी 3 गाड़ियां पकड़ी गई, तो पुलिस प्रशासन और डॉक्टर सबसे बदतमीजी करने लगे। इनको बद्रीनाथ तक जाना था, तो लेकिन इनको द्वारा जो जांच हो रही थी वहाँ पर, उसमें इनके साथ इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया, और इनको रोक देने के बाद भी ये बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, आगे कर्णप्रयाग तक पहुँच गए थे। फिर बाद में हमारी जानकारी माने आने पर हमने पुलिस से बोल के इनको वहाँ रुका दिया। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है कि यात्रा भी बंद है, तो ये थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं, थोड़ा नाराज थे, उनको अभी समझाया गया। उसके बाद में थोड़ा सा इनका जो पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने विधायक और इनके साथ 10 अन्य लोगों के लिए एक पास बनाया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम क्रिया के लिए इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत दी जाती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सीमा पार करने वाले हर शख्स की मेडिकल जाँच का आदेश उत्तराखंड की सरकार ने पहले ही जारी किया हुआ था, लिहाजा अफसरों ने विधायक अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथ चल रहे लोगों को मेडिकल जाँच कराने को कहा। ये बात विधायक जी के दिल में लग गई तो बदतमीजी पर उतर आए। विधायक के खिलाफ टिहरी जिले में ही महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, तो विधायक अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथ 10 और लोगों को अपर मुख्य सचिव ने पास कैसे दे दिया? आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जब धार्मिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहते हैं, तो अमन मणि को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत कैसे मिल गई? रास्ते में किसी जिला अधिकारी ने अमन मणि और उसके साथ आए लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब उत्तराखंड सरकार को देना है। लेकिन इस बीच यूपी सरकार की तरफ से बयान आया कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायक अमन मणि त्रिपाठी को ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ना ही राज्य सरकार के द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया था। वो अपने कृत्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा तथ्यों को भ्रामक रूप से मुख्यमंत्री योगी से जोड़ना आपत्तिजनक है। जहां बचाव ही सुरक्षा है, वहां कोरोना महामारी के इस दौर में अमन मणि जैसे विधायक अपनी करनी से कोरोना जैसे ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उन पर कार्रवाई होगी क्या? आज तक ब्यूरो।